सावित्री चौधरी अपनी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है जानवी दुश्मन। आज माजी के मन में भारी उथल पुथल हो रही है। उनकी नातिन श्वेता के बहुत मन्नतों के बाद बच्चा हुआ है। इस खुशी के मौके पर वो चूचक लेकर जाना ही पड़ेगा बधाई देने के लिए, पर घर गृहस्थी में तो जब तब कुछ न कुछ होता ही रहता है। जब श्वेता का रिश्ता तय हुआ था तब दामाद वीरेन जी और उनके परिवार वालों को दस्तूर के काफी रुपए देने पड़े थे। उस दिन तो माजी का नोटों से भरा हुआ बटुआ ही खाली हो गया था। फिर श्वेता के विवाह में भात भरा था माजी ने, तब बेटी ने पहले ही चेता दिया था, माँ पहली बार का भात तो आधे दहे जितना होता है, कंजूसी मत करना। तब भी माजी का अनाप शनाप खर्चा हुआ था। विवाह के बाद जब श्वेता पति के साथ नानी से मिलने पहली बार आई, तब विदा के समय माजी को उसे 7 कीमती साड़ियां, दामाद जी को महंगा सूट, सास जिठानी और चारों नंदों की भी साड़ियों पर नोट रखने पड़े थे। काफी फल मिठाई भी दी थी। एक बार माजी को बीमार श्वेता का हाल चाल पूछने के लिए उसके ससुराल भी जाना पड़ा था। पहली बार वह सावन में रीते हाथ नातिन के ससुराल कैसे जाती, तभी तो 500 घेवर और लहरिये की शानदार साड़ी भी ले गई थी। लौटते समय समदन जी को मिलने के रुपए भी देने पड़े थे। यदि वे मिलने के रुपए नहीं देती तो स्वर्गवासी श्वेता के नाना जी की क्या शान रहती। अब जब से माजी को नातिन के बरसों बाद बच्चा होने का शुभ संदेश मिला है, वे चिंता के भंवर में डूब रही है। घर गृहस्थी में ये पहली बार की कुरीत सुख शांति से नहीं जीने देती, पर कितने दिन कब तक न जाने किस दिन पीछा छूटेगा इस पहली बार की जानी दुश्मन कुरीति से। माजी के पति को गुजरे हुए तो बरस ही बीत गए। जमा पूंजी, हवेलियों के किराए और लोगों को उधार दिए रुपयों के ब्याज के बल बूते पर ही घर खर्चा और रिश्तेदारों की देनदारी जैसे तैसे कर निभा रही है। 3 बेटियों का विवाह तो उसके पिताजी बड़ी धूमधाम से कर गए थे। चौथी बेटी की शादी माजी ने पति गुजरने के 1 साल बाद बहुत शानदार ढंग से की थी। शादी बहुत सादगी से भी हो सकती थी, पर फिर दुनिया वाले बातें बनाते कि बेचारी रमा की शादी पिताजी जीवित रहते तो बड़े ठाठ बाठ से होती। चौथी बेटी को विदा कर माजी ने भगवान का शुक्र मनाया, बस अब तो विवाह योग्य एकलौता बेटा ही है यशराज, वह चारों बहनों से छोटा है। माजी के 5 नाती हैं, उनका विवाह होगा तब उनकी ससुराल से माजी को भी तो मिलने के नोट मिलेंगे, और बदले में नातियों की बहुओं को मुंह दिखाई में सोने का जेवर नहीं दिया तो स्वर्ग में बसे नाना जी की शोहरत कम हो जाएगी। कभी कभी माजी भविष्य के सोच विचार में गोते लगाने लगती है। पहली बार नाती के विवाह में भी बेटी दामाद और बच्चों के कपड़े तथा ससुराल वालों को भी कपड़ों के साथ नेक के रुपए भात पहनाते समय खुले हाथ से देने पड़ेंगे, जबकि दिनों दिन आमदनी कम और खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। पुराने किराएदार हवेलियों पर कब्जा करे बैठे हैं, अब तो किराया भी नहीं दे रहे हैं बेईमान। फिर भी हवेलियों की टूट फूट तो माजी को ही सुधरवानी पड़ती है। ब्याज पर दी हुई पूंजी भी गई डूबन खाते में, खेती धनी सेती बटाईदार की नियत में आई बेईमानी भाप कर माजी को खेत भी बेचना पड़ा था कोड़ियों के मोल। घर के ऐसे टूटे नुकसान से खर्चों से दुखी हो रही माजी हर समय मन में कलपती रहती है। सबसे ज्यादा तो व्यथित थी पहली बार की कुरीत से। खर्चा नहीं करने के लिए माजी कंजूसी करती, तभी कुछ न कुछ अच्छा या बुरा हो जाता। कभी खुशी कभी गमी, मन से न चाहते हुए भी सारी रीत रिवाज निभानी ही पड़ती। आए दिन के ऐसे खर्चे से तंग आ रही माजी अपने कमरे में जाकर चुपचाप रो धो लेती, पर इस उसके आगे अपनी चिंता
यथा की चर्चा नहीं करती थी कभी भी। बड़े घराने की लाज जैसे तैसे कर रखती आ रही है। स्वर्गीय पति के घराने की मान मर्यादा कम नहीं होने दी तनिक भी। चारों बहनों से छोटा यशराज पढ़ाई में तेज होने के कारण वह शिक्षा पूरी करने के बाद बड़ा अधिकारी बन गया था, जिले का कलेक्टर। फिर तो कई नामी गिरामी हस्तियों को बेटी का रिश्ता करने की गर्ज से यशराज के इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडराते देख माझी और उनकी बेटियों के मन में लड्डू फूटते रहते हैं। प्रसन्नता के मारे जमीन पर पांव ही नहीं टिकते हैं उनके। लेकिन दिखावे और दहेज विरोधी यशराज तो उन धन्ना सेठों को गुर्राते हुए टका सा जवाब देते हैं। मुंह मांगा दहेज देने का लालच देकर बेटी के लिए वर खरीदने वालों से बात करना भी मैं तो महापाप और घोर अपराध समझता हूँ। आखिर जवान बेटा था, उच्च शिक्षा प्राप्त, जिले का कलेक्टर, जिसमें सादगी सरलता और सेवा भाव भरा हुआ था। नए विचारों के हिमायती बेटे को माजी जबरदस्ती कैसे मना सकती थी बड़े घराने की कोई लड़की पसंद करने के लिए। पर माजी तो पहली बार बेटे का विवाह रचाएगी। वह बरसों से बेटियों को समय समय पर खूब देती रही है। अब पहला अवसर है जब माजी बेटी वाले से मुंह मांगा धन दहेज लेकर धीरे धीरे खाली हुई अपनी तिजोरी को भरेगी नोटों और जेवरों से, हवेली को भरेगी दहेज के सामान से। चमचमाती महंगी कार और शानदार बंगला भी दहेज में लेना चाहती है माजी और उनकी बेटियां। ग्यारस की कसर द्वादशी में निकाल ली, दुनिया वाले हमें ताने तो जरूर देंगे। माजी और उनकी बेटियां एकमत होकर विचार विमर्श करती, हमें तो परवाह नहीं करनी है किसी की भी, थोड़े दिन थूक बिलोकर अपने आप ही रह जाएंगे जात बिरादरी वाले और रिश्तेदार। बहने भी हट करके कलेक्टर भाई से मन पसंद सौगाते, हीरे जड़ी अंगूठी, नाक की नथ, कानों की लौंग, सच्चे मोतियों की माला और गोटे जरी से चमचमाते साड़ी सूट लेना चाहती है। पर सारा गुड़ गोबर हो गया और उन माँ बेटियों के मन में उफन रहे उमंग उत्साह अरमान मन में ही रह गए। जब एक दिन नए विचारों के हिमायती यशराज ने एक गरीब घर की उच्च शिक्षा प्राप्त मामूली शांत शक्ल वाली लड़की हेमा को पसंद कर लिया। वह कॉलेज में पढ़ा रही थी और कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजाना जाती थी झुग्गी झोपड़ियों में। वहां के वाशिंदों को सफाई से रहने और बोलचाल का सलीका भी सिखाती है। महिलाओं और युवा लड़कियों को इज्जत से कमाने के हुनर सीखने के लिए उन्हें हर तरह की सरकारी मदद भी कराती है। अपंग और बीमारों का इलाज कराने के लिए भी बहुत भागदौड़ करती है। इस कारण हेमा के नाम और काम की जगह जगह हो रही तारीफ से प्रभावित होकर यशराज ने हेमा से विवाह करने का फैसला माँ और बहनों को सुना दिया था। बहनें तो दुखी होकर बहुत रो रो कर भाई से कहने लगी, यदि कंगले घर की लड़की से विवाह किया भाई तो अपने बड़े घराने की बहुत बदनामी होगी, जग हंसाई होगी सो अलग। माँ जी ने भी बहुत ऊंच नीच का फर्क समझाया था बेटे को, पर यशराज ने अपना फैसला नहीं बदला। तनिक हंसकर कहा, माँ हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं पर वह कभी मुड़कर नहीं देखता कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। हर तरह से लायक और जिले के कलेक्टर बेटे की माँ जबरदस्ती कैसे मना सकती थी बड़े घराने की कोई लड़की पसंद करने के लिए। लाखों में एक गुणवान बेटे की खुशी के लिए माँ जी को अपना मन ही समझाना पड़ा। मनवा लड़की सेवादार और गुणवान बता रहा है बेटा तो अच्छा है, मेरा बुढ़ापा भी सुख शांति से बीत जाएगा सुलक्षणा बहू के आने से, वरना तो धन दाए जा बह जाए छाती कूटा रह जाए। बसंत पंचमी के दिन टीके का दस्तूर करने के लिए आ पहुंचे बेटी वाले, रेशमी रुमाल से ढका हुआ एक थाल लेकर। आंगन में बिछे गलीचे पर बैठे थे यशराज और उनके रिश्तेदार। एक और बैठी महिलाएं गीत गा रही थी। यशराज की बहनों ने
बस एक ही थाल देकर मुंह सुजा लिया। रिश्तेदार भी यशराज को मूर्खों का बाप कह रहे थे मन में, यदि तनिक भी अकल होती तो बड़े घराने से आ रहे रिश्तों को क्यों ठुकराता। यह कहावत सच है कि कोवा तो कचरे पर ही रीझता है। रिश्तेदारों के मध्य रखे हुए थाल पर से समधी जी ने रुमाल उतार कर एक और रख दिया था। उस थाल में थोड़ी मिठाई, 5 फल, सोने की एक चैन, एक घड़ी, एक नारियल, एक गीता की प्रति, फूलमाला, रोली मोली, चावल और एक बड़ी गड्डी 500 के नोटों की रखी हुई थी। जब समधी जी ने यशराज के टीका लगा, फूलमाला पहना दी और नारियल पर 500 के नोटों की गड्डी रख थमाने लगे तो यशराज ने मना कर दिया। बस नारियल लिया और गीता की प्रति उठा, उसे सम्मान से माथे के लगा लिया, फिर बहुत ही गर्व भाव से कहा, गीता तो ज्ञान का खजाना है, गुणों का भंडार है, मेरे लिए तो गीता ही अनमोल उपहार है सगाई का। यह थाल सामान सहित वापस ले जाना पड़ेगा आपको। भाई, सगाई में पहली बार मिलने वाली सौगातें वापस करने से बहुत अपशगुन होते हैं, बड़ी बहन घबराए स्वर में बोल पड़ी। जबकि माजी के अंतस में तो पहली बार शब्द ने क्रोध का दाना वली धधका दिया, रोम रोम दहकने लगा। फिर सोचने लगी, क्यों नहीं जानी दुश्मन, ये पहली रीत नागिन का आज जन्मती का ही फन मसल दूं, फिर तो मेरा बेटा, बहू और समधी जी सही सबका ही जीवन सुखी हो जाएगा सदा के लिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस तरह मन में ठान कर माजी ने सौगातों से भरा थाल उठाकर समधी जी को थमाते हुए गर्व गुमान से कहा, मेरे गुणवान और परम संतोषी बेटे ने सगाई की सौगातों में से सिर्फ गीता की एक प्रति लेकर दिखा दिया है कि अब पुराने रीत रिवाज के बहाने से खर्चा करना या करवाना इस नए जमाने में लूट और डाका है। अब मैं भी जान गई हूँ, समझ गई हूँ कि पहली बार की रीत ही नहीं, हरेक कुरीति को सदा के लिए छोड़ने में ही घर परिवार और समाज का भला होगा, जीवन सुख शांति से बीतेगा। सगाई, विवाह, बात सूचक आदि के मौके पर पहली बार की रीत निभाने से होने वाली लूट खसोट का विरोध करने के लिए समाज को एकजुट होना चाहिए, ताकि लेन देन की कुरीति को निभाने की व्यवस्था के कारण बेचारे किसी तंग हाल को कर्ज नहीं लेना पड़े, घर जमीन न बेचनी पड़े, न गिरवी रखनी पड़े। यदि इस बात पर अमल किया तो दुखदायी कुरीतियों का जड़ मूल से नामो निशान ही मिट जाएगा एक न एक दिन। यशराज ने भी माँ की बात पूरी होने पर इस तरह से रिश्तेदारों को समझाया कि उनकी नसीहत से वहाँ बैठे भाई बंधुओं और मेहमानों के हृदय पर जादू कर दिया था। तभी तो वे सब एक मत होकर कहने लगे, आज से हम भी लेन देन की हर एक कुरीति को त्यागने की सौगंध खाकर यह प्रण करते हैं कि यदि अब किसी ने भी पुरानी रीत रिवाज के बहाने से लेना देना किया तो उससे हेल मेल नहीं रखेंगे कतई, न तो उसके बुलाने पर जाएंगे, न ही उसको बुलाएंगे, चाहे खुशी हो या गमी, न ही उसको बेटी देनी है न ही लेनी है। दृढ़ स्वर में ये सब बातें कहते हुए यशराज के भाई बंधु, रिश्तेदार और मेहमान हंसते मुस्कुराते हुए चल दिए। उन्हें अपना तन मन हल्का लगा, जैसे उनकी छाती से मनोटनो बोझ उतर गया हो और वे समझ गए हैं कि देश, समाज और घर परिवार की खुशहाली, उन्नति, सुख शांति आदि के लिए इस प्रकार की चेतना, जागृति लोगों में आना बहुत ही जरूरी है। आजकल की महंगाई का भी ये एक विशेष तगाजा है। आशा है मेरी कहानी आपको पसंद आएगी। इसका शीर्षक है जानी दुश्मन।